असलामुअलैकुम फ्रेंड, यू आर वाचिंग गैंगटॉक। फ्रेंड, आज मैं आपको 14-15 हजार की मार्केट रेंज में एक बेहतरीन डिवाइस आपके लिए लाया हूं, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप 14-15 हजार की मार्केट रेंज में ये डिवाइस बेहतरीन होती है या नहीं, कैसा रिजल्ट हमें देता है, उसके अलावा क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है और 14-15 हजार के बजट में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देकर हमें फोन को लेना चाहिए। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये आईटेल की VN1 Pro की। तकरीबन जो है महीना 1.5 महीना हुआ है इसको लॉन्च हुए, लेकिन काफी ज्यादा एक अच्छी डिवाइस आती है क्योंकि इसमें 3/32 का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो बाकी चीजें रिव्यू के बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बॉक्स के अगर ऊपर की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे VN1 Pro का इन्होंने नाम दिया है, यानी कि इसका नाम VN1 Pro काफी ज्यादा स्टाइलिश में दिया हुआ है। 4G लिखा है, यानी कि आपको 4G वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ 3GB 32GB का ये वेरिएंट है, इसमें आपको 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। 6.5 का एक HD रेजोल्यूशन का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा है, 6.5 इंच का आप देख सकते हैं। बॉक्स भी कितना बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन उन्होंने ये दिया जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको 100 डेज की रिप्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि 100 दिन के अंदर अंदर आप इसको वापस तब्दील भी करा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बैक में आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा, 6.5 का इन्होंने ऑप्शन ये दिया हुआ है, 6.5 इंच का एक मिनट, ये देखें 6.5 का एक आपको एक डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है, 3GB 32GB का वेरिएंट, 4000 बैटरी और भी काफी ज्यादा इसमें फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आगे चल के इसके रिव्यू में भी बताऊंगा। इधर उन्होंने आईटेल की ब्रांडिंग की है। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी सील उतार लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे पास कुछ इस तरह का बॉक्स साफ निकल के आ जाता है, तो अब ओपन कर लेते हैं इसको। अभी तक मैंने खुद ओपन नहीं किया इसको, ये यहाँ से ओपन होगा, इस तरह से निकल के आता है ये। तो फ्रेंड, ये देखें नीचे भी इसके आईटेल की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, साइड पे भी वही सेम चीज़ है। उसके अलावा 100 दिन की रिप्लेसमेंट भी का भी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास बॉक्स, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बल्ब आ जाते हैं, ये आ जाती है हमारे पास डिवाइस, और इसके अलावा इसमें एंड फ्रीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ आपको ये एक केबल भी देखने को मिल जाएगी, ये हम बाद में चलते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइस दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारे पास डिवाइस VN1 Pro, 6.5 का HD आपको के जो है ना इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 3GB रैम, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक जैसी भी आपको सहूलतें देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें ये चीज़ है, ये देखें स्मजेस का बहुत ज़्यादा खतरा है। प्लास्टिक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइन है, लेकिन ये देखें स्मजेस का आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें खतरा रहेगा। इसके अलावा फ्रंट आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, उसके साथ एक फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी। साइड की बात की जाए तो साइड में ये आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन का देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात की जाए तो आपको चार्जिंग पोर्ट एक देखने को मिल जाएगी। बाकी तरफ देखा जाए तो एक आपको चार्जिंग पोर्ट चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी, जो कि सिंपल 2.0 की है। उसके अलावा आपको नॉर्मल आईटेल का ओरिजिनल आपको अडाप्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि 10 वाट का है नॉर्मल अडाप्टर, ये आपको इसमें नॉर्मल चार्जिंग ही देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें आपको हैंड फ्रीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मुझे मालूम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें ये देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको ये भी देखने को मिल जाएगी। और बॉक्स को करते हैं साइड पे, बाकी फ़ोन को करते हैं ओपन। उसके अलावा इसमें आपको एक 12 मंथ वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ कुछ इनवेल्व देखने को मिल जाएंगे, और इसके साथ आपको फ़ोन का बैक केस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये प्लास्टिक है, टूट भी सकता है ज़्यादा इसको मोड़ने से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये मुझे मालूम हो रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले कर लेते हैं इसका ओपन, इसकी शील्ड ओपन कर लेते हैं, जिसमें VN1 Pro का नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके कुछ फीचर देखेंगे।
तो फ्रेंड ये देखें इस तरह की हमारे पास कुछ डिवाइस आ रही है। इसके पास स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इसके ऊपर उन्होंने चढ़ाया हुआ है। तो फोन को कर लेते हैं ऑन, फोन जब तक ऑन होता है। इस पे अगर इसका कवर भी चढ़ा दिया जाए तो ये देखें इस तरह की कुछ लिख आती है। कवर बहुत लाजमी है इस फोन के लिए क्योंकि इसकी बैक पे बहुत ज्यादा स्मजिस का खतरा है, लेकिन काफी ज्यादा एक बड़ी डिस्प्ले का साइज है। अगर आप जो है नॉर्मल फोन यूजेज के लिए लेना चाहते हैं या सोशल मीडिया के लिए, काफी ज्यादा एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। फेसबुक हो गई, व्हाट्सअप हो गई, इंस्टाग्राम वाला एप्लीकेशन के लिए ये डिवाइस आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और जो लोग दूसरा फोन यूज करते हैं यानी कि एक सिम के अलावा, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस हो जाती है। तो स्टार्ट है, हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं कुछ सेटिंग करने के बाद बाकी आपको आगे इसका रिव्यू देता हूँ। तो फ्रेंड मैं इसकी सेटिंग कुछ कर चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डिवाइस निकल के आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फास्ट डिवाइस है ये। देख लें आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बैक में फ्रंट कैमरा अगर मैं आपको चेक करा दूँ तो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इसका कैमरा भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक क्लासिक आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इस डिवाइस में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये देखने को मिला है कि एक तो इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। उसके अलावा आउटडोर में भी आपको ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस यहाँ पर चली जाती है, आपको देखने को मिल जाती है। नॉर्मल भी अगर हाफ भी करें तो काफ़ी ज़्यादा आउटडोर में आपको इसमें स्क्रीन यूज़ करते हुए कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये फ़ोन गेमिंग के लिए तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप एक सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर एक बड़ा बैकअप बैटरी बैकअप चाहते हैं, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए कोई डिवाइस जो आप एक्स्ट्रा से रखें यानी कि गेमिंग वगैरह के लिए अलग, कैमरे के लिए अलग हो जाए, आप सोशल मीडिया के लिए सिर्फ इसको रखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि एक बड़ा डिस्प्ले है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन वगैरह करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाला है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा इसमें देखने को मिल जाएगा। कैमराज वगैरह भी आपको चेक करा चुका हूँ। इसमें आपको 4000 बैटरी के साथ आपको 32 GB की वेरियंट स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, 3 GB की रैम इसमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि सोशल मीडिया आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाला है क्योंकि इसमें हैवी वर्क तो हो नहीं सकता। आप नॉर्मल यूजेज करेंगे तो नॉर्मल यूजेज में आपको कोई भी आपको कमी इसमें महसूस नहीं होगी। बैटरी बैकअप की बात करें तो तकरीबन एक दिन आपको 13 से 14 घंटे आराम सुकून से ये आपका निकाल देगा अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करें। तो फ्रेंड अगर मैं इस डिवाइस की प्राइस की बात करूं, अगर इसकी मैं फिंगरप्रिंट आपको फास्ट दिखा दूं, लेकिन कितने जल्दी बस हाथ लगाते ही ये स्क्रीन ओपन हो रही है, काफी ज्यादा फास्ट इसका फिंगरप्रिंट भी वर्क करता है। अगर मैं बात करूं अब इसकी प्राइस की तो ऑफिशियल प्राइस तो इसकी तकरीबन 15-15.5 तक है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको 14.5 तक आराम से मिल जाएगा। ये डिवाइस मुझे 14 तक मिली है जो कि इजिली मैंने परचेज कर ली है। अब ये आपकी बार्गेनिंग पे आप इससे कम भी करा सकते हैं, 14.5 तक भी आपको ये मिल सकती है। अब आप इसमें कितना डिस्काउंट लेते हैं ये आप पे है, लेकिन इसका ये बैक कवर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें जिसका खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लास्टिक बैग काफी ज्यादा अच्छी है, फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी वर्क कर रहा है। इसके अलावा बाकी फीचर भी इसमें काफी ज्यादा, ये देख लें आप कितनी जल्दी आप एप्लीकेशन भी वर्क करवा सकते हैं और भी काफी ज्यादा एक इसमें अच्छे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस है, एक एंट्री लेवल अगर आप मोबाइल डिवाइस लेना चाहते हैं तो मैं इसको लाजमी से आपको प्रेफर करूंगा।